इनको 2022 में बुरी तरह से चुनाव हरा कर दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं उमेश सती, अध्यक्ष ब्रह्म कपाल तीर्थ संघ बद्रीनाथ धाम। आज वो ऐतिहासिक क्षण आ पहुँचा जिसके लिए हम सभी लोग संघर्ष कर रहे थे पिछले 2 सालों से। ये संघर्ष अपने आप में ऐतिहासिक संघर्ष रहा कि कितना लंबा चलने वाला जो संघर्ष आज तक भारत के इतिहास में, अगर आंदोलन का इतिहास देखा जाएगा तो सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन के रूप में दर्ज किया जाएगा। और आखिरकार वो सुखद क्षण आ पहुँचा और हम सभी 4 धामों के तीर्थ पवित्र से बहुत प्रसन्न हैं। आज सुबह श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आज अपनी घोषणा में देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की जो घोषणा की, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आखिरकार उन्हें मानना पड़ा कि जो ये देवस्थानम एक्ट जो उन्होंने लागू किया था सभी 4 धामों के ऊपर, वो गलत था और उन्होंने अपनी उस गलती को स्वीकार किया और वापस लिया। इसके लिए हम उनका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय बद्री विशाल, जय 4 धाम एकता जिंदाबाद। वास्तव में देवस्थानम बोर्ड, एक तरफ जब इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा था और सारे हक हकदारी तीर्थ पुरोहितों के साथ गौरव होटल में 4 धाम विकास परिषद और विधि आयोग के अध्यक्ष टंडन जी बात कर रहे थे और ये तय हो गया था कि दिसंबर में पुनः एक बैठक होगी, लेकिन सरकार ने जो कैबिनेट में इसको पास किया बिना तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर के, और जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित अनंत 2 साल से इसका आंदोलन का विरोध कर रहे थे, इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। वास्तव में इस एक्ट को विकास के नाम पे कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करना चाहता था, लेकिन एक्ट के नाम पे सबका विरोध था, इसे पूछा नहीं गया। मैं मुस्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने आगे आकर के इस बोर्ड को भंग किया और जनता में ये संदेश भी गया, तीर्थ पुरोहितों के अंदर ये संदेश गया कि ये सरकार जनभावना के अनुरूप ही काम करने वाली है। मैं इसलिए विशेष रूप से आज जो, हाँ, क्योंकि मैं भी तीर्थ पुरोहित ब्रह्म कपाल होने के नाते उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और तमाम हमारे लोग जो विरोध भी कर रहे थे, हमने भी मुख्यमंत्री जी से वार्ता की अगस्त में कि इसको भंग किया जाना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है। और आज देवस्थानम बोर्ड भंग होने से विकास के नाम पे किसी कोई भी विरोध नहीं करेगा, लेकिन जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि धर्म के नाम पे अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए मंदिरों का, ये शुभ संकेत दिए जा सकते हैं। उपलब्धि नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी और आम जनमानस की जीत है। पंडा पुरोहितों का जिस दिन से देवस्थानम बोर्ड बना है, पंडा पुरोहितों का ये बिल्कुल विरोध था और कांग्रेस पार्टी ने पंडा पुरोहित और हक हकूक धारियों का शुरू से ही साथ दिया है, इसलिए ये जीत आम जनमानस, पंडा पुरोहितों और कांग्रेस पार्टी का है। बीजेपी तो डर के मारे इसको वापस लिया है, जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में हार के डर से कृषि कानून वापस किया है, उसी प्रकार उत्तराखंड चुनाव हार के डर से इन्होंने देवस्थानम बोर्ड वापस लिया। ये आम जनमानस की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है।